हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड का अध्ययन किया था। अब चलिए आज इस वीडियो में हम घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। थॉमस, तुम्हारे इस घनाभाकार कमरे की दीवारें तो बहुत ऊंची लग रही हैं। ये कितनी ऊंची हैं? मैं नहीं जानता अनस, क्या हम ये ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल, हम गणित के द्वारा ये ज्ञात कर सकते हैं। ये गणित का समय है। चलो हम इस कमरे की लंबाई और चौड़ाई नाप लेते हैं। कमरे की लंबाई 12 फुट और चौड़ाई 9 फुट है। क्या तुम्हारे पास इस कमरे से संबंधित कोई और जानकारी है? हाँ मानस, हमें इस कमरे की चारों दीवारों को रंगने के लिए 10 रुपए प्रति वर्ग फुट के दर के अनुसार 8,400 रुपए लागत लगी थी। 8,400 रुपए में जितने क्षेत्रफल को रंगवाया वो इन चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल के बराबर या इस कमरे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। कमरे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें केवल इस लागत को रंग के प्रति वर्ग मीटर के दर से भाग करना होगा। इस तरह इस घनाभाकार कमरे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 8,400 / 10 या 840 वर्ग फुट। अरे वाह, अब तो ये बहुत आसान हो गया। हमें कमरे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है और उसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात है। अब तो हम घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र का उपयोग कर इस कमरे की ऊंचाई को इस तरह से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो मानस, इस तरह से हल करने पर हमें कमरे की ऊंचाई 20 फुट ज्ञात हो गई। ये तो सच में बहुत ऊंची है। चलो चलो, अब हम अपनी दुनिया में लौट चलें। स्कूल के लिए देर हो रही है। इस उदाहरण के साथ हमने देखा कि किस तरह घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड पर आधारित हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं को हल किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ और मजेदार उदाहरण देखेंगे।